एक्चुअली क्या है, अभी जाना है फंक्शन के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, मतलब अचानक से हमारे चेहरे पर अगर पिंपल आ जाए फंक्शन में जाने से पहले तो हम क्या करेंगे। तो आप भी देख सकते हो, तो मेरे चेहरे पर भी आए हैं पिंपल। और अभी क्या करेंगे, अभी इसके लिए मेरे पास है एक होम रेमेडी, तो जिससे आपका पिंपल है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी मैं लगाऊंगी वो, तो वो बहुत जल्दी दब जाएगा और ज्यादा दिखेगा नहीं, तो ज्यादा वो विजुअल नहीं रहेगा, तो मैं भी फंक्शन में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकूंगी। एक्चुअली दिखने से ज्यादा है, हमें जो पेन होता है जब पिंपल आता है तो जो पेन होता है वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो ज्यादा हमें तकलीफ देती है, तो वही कम करने के लिए मैं एक ऐसी होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ जिससे वो आपकी जो आपको जो पेन होता है वो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाएगी और आपका पिंपल भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको लेना है कोलगेट। जी हाँ, आपको लेना है व्हाइट कोलगेट। व्हाइट कोलगेट जो है, इससे जो हमारा पिंपल बहुत जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो हम लगाएंगे पिंपल पे कोलगेट। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा, तो आपको जस्ट कोलगेट नहीं लगाना है क्योंकि कोलगेट जो है बहुत जल्दी ड्राई करता है पिंपल को, तो वहाँ की स्किन भी बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो इससे इसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं दोनों को अच्छे से अभी मिक्स करके लूंगी, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसे पिंपल पे लगाऊंगी। चाहे तो आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो, रात को लगा के रखोगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है, जैसे मुझे अभी जल्दी है जाने की, तो मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दूंगी, फिर उसके बाद इसे क्लीन करके लूंगी। तो ये बहुत जल्दी, जो अभी बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है और जो पेन है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ी स्वेलिंग भी अभी कम हो जाएगी इससे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट करना मत भूले। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मुझे तो इसे ऐसा ही रखना है, तो मैं अभी बाय बोल देती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हैप्पी वेडिंग सीजन, हैप्पी विंटर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।